वक्रतुंडम महाकाश्र कोटी सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे शुभम् शिवासनं पूर्वार्घमेव वन्दनां मुद्योर्मुखमामिता मृत्युञ्जय महादेव तैमां शरणागतं जन्मुज्यो जराव्याधिप्रीतं गुरुवदने सुराटसोमनाथं शशिशरमलिकाशूचनीयं महाकां कामलचनम् प्रियवदनाथं जदाकिनाभिं शङ्करं शतवन्दे रामेशं नागेशं दर्गौने वारणसं विश्वसुतं केवोत्मलगिरं स्मृतं शिवालये यदाने कृतिलिङ्गाने सायङ्कृतपुटनसप्तशुभपापं स्मरणकृते श्रीराम राम रामे श्रीरामे श्रीरम रामे मनोरमे चतुर्नाम तात्तुल्यं राम नाम वरालने ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमः। सरस्वतीभ्यो नमः। हनुमन्ते नमः। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस चैनल में आप सपरिवार देख सकते हैं, सब आध्यात्मिक वीडियो है। आज हम बात करेंगे मुख्य द्वार के बारे में, जो भी पार्ट फोर है। और आज का दरवाज़ा है साउथ फेसिंग दरवाज़ा, मतलब दक्षिण का मुख्य द्वार। जो हम आपको बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुनते रहिए कि भविष्य में कभी भी ये आइटम आपको काम में आ सकती हैं। मित्रों, आज के ज़माने में बहुत हम लोग देखते हैं कि इसका कर्म कैसा होगा, ये आदमी इतना पाप करता है फिर भी इतना खुश क्यों है, और बाकी लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी दुखी क्यों है। तो इसका कारण है कि ये कर्मों का हिसाब जो आदमी आता है, साथ में सृष्टि का नियम है, जब आता है तो कर्मों के साथ ही आता है। वो मित्रों, आपको एक बात अवश्य आज बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और शेयर भी कीजिए। आज बताओ, जिंदगी में कभी भी आप रोना मत सीखो। हाँ, अगर होते रहेंगे तो फिर जिंदगी भर होते रहेंगे, क्योंकि सृष्टि का नियम है। ध्यान से मित्र सुनो, सृष्टि का नियम है संसार में। सृष्टि 24 घंटे में एक बार तथास्तु बोलती है। तो जब आप रोते रहेंगे, होता है तथास्तु बोल दिया, तो फिर जिंदगी भर रोना रहेगा। उससे अच्छा है कि खुश रहो, और हमने भगवान में जो दिया है उसमें तो संतुष्ट हों। ख्वाब बड़े देखिए, लेकिन रोइए कभी मत, और जिंदगी में खुश रहिए और हमेशा सकारात्मक सोचते रहिए। तो आज हम बात करेंगे साउथ फेसिंग का, यानी कि दक्षिण के दरवाजे के बारे में। सबसे पहले तो जो आप पूर्व के सामने खड़े हैं, और आपका जो लेफ्ट हाथ है, दाएँ हाथ ऊपर जाते हैं, तो हुआ लेफ्ट साइड का, तो हुआ साउथ का फेसिंग। मतलब जैसे आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो साउथ हो गया। तो वैसे ही साउथ का दरवाज़ा मुख्य द्वार है, वो वैसे ही शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन शुभ तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी हैं। अगर वो मुख्य द्वार है, अगर बहनों के कोई माताओं के नाम पे है, तो उसमें अवश्य कुछ फल प्राप्त होता है। तो हो सकता है साउथ का दरवाज़ा का मुख्य, साउथ का मुख्य द्वार है, और अब कोई बनाना ही पड़ रहा है कोई रो हाउस या साउथ में, तो उसमें कोई बहनों का या माता का नाम अवश्य रखिएगा। क्यों? कि माता का नाम रहेगा तो मुख्य द्वार कुछ नुकसान कम करेगा। और अभी मुख्य द्वार के बारे में बात करते हैं। दक्षिण का द्वार में आप जब जैसे अंदर जाते हैं, और अगर सीधा ही सामने डब्ल्यू से आता है, तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, और इधर से पहला होल आया, होल के बाद अगर किचन आता है तो थोड़ा सही है, और किचन के बाद बेडरूम आता है तो वो भी थोड़ा सा अशुभ है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके भगवान का देवस्थान होना चाहिए, पूजा करवाना चाहिए, या तो फिर बाहर बच्चे लोग का स्टडी रूम बनाइए। और लेफ्ट में अगर आए आप साउथ पे, साउथ के दरवाजे की बात कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए आप साउथ में अंदर गए, और लेफ्ट साइड में सब कुछ है। जैसे कि आप सबसे पहले तो लिविंग रूम आया, उसके बाद लेफ्ट साइड में देखते हैं
तो किचन आया तो थोड़ा सा सुबह, उसके बाद अगर डब्ल्यू सी आया ऑफिस सुबह, उसके बाद अगर बेडरूम आया सबसे जो लेफ्ट साइड में ही है, आप सीधा अंदर गए साउथ में दक्षिण के दरवाजे में वो लेफ्ट साइड में सब है। तो लास्ट में अगर आपका बेडरूम है तो भी थोड़ा सा सही रहेगा, राइट साइड में अगर कुछ भी नहीं है तो भी थोड़ा सा एक है कि जगह एक छोटी सी होनी चाहिए, अगर हॉल के बाद सब जो कोना कट रहा है तो भी थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, क्योंकि साउथ का दरवाज़ा है तो उसमें एक तो साउथ का ही नकारात्मक है, तो उसमें अगर ईशान कोना जो सीधा आप गए तो राइट साइड का होता है वो ईशान कोना होता है, कोने में लास्ट में एकदम, तो वहाँ पर एक छोटा सा पूजा घर बनाइए और पूजा घर के बाद स्टडी रूम बनाइए। और अभी आप बात करें सीधे सीधे ही, जैसे आप साउथ में सीधे गए सबसे पहले होल आया, होल के बाद आप देखते हैं कि दरवाजा में मुख्य द्वार में द्वार में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आया राइट साइड में सीधा भी लेफ्ट भी दोनों बता दिया। अभी समझो कि एक अब पूरा दरवाजे में अंदर गए और सामने सीधा ही दीवार है और सीधा राइट साइड में टर्न मार के आपका साउथ में गए, आप साउथ में जाने के बाद सामने दीवार है और राइट में टर्न मारा, पहले लिविंग रूम आया फिर आगे बढ़े, फिर उसके बाद राइट साइड में किचन है मित्रों वो तो सूप है, उसके बाद थोड़ा सा आगे गए फिर लेफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पर डब्ल्यू सी है थोड़ा सा सूप है, उसके बाद बेडरूम आया तो उसमें छोटा सा एक आप पूजा घर बना के जगह छोड़िए फिर अपना बेडरूम रहिए थोड़ा सही रहेगा। ये आपको बताया कि अगर साउथ का दरवाज़ा है और सामने दीवार है आपके फ्लैट की जो भी है राइट टर्न मारा तो उसके बारे में बताया। अभी बता रहा हूँ साउथ में जाने के बाद सीधे गए और दीवार आया और लेफ्ट में आपका सब कुछ है, जैसे आप लेफ्ट में टर्न मारा और लिविंग रूम आया, अगर लिविंग रूम आया तो अभी थोड़ा सही है। और उसके बाद अगर राइट साइड में किचन आता है तो अभी थोड़ा शुभ होता है, उसके बाद डब्ल्यू सी आता है थोड़ा शुभ होता है, उसके बाद बेडरूम आया आपका वो भी थोड़ा सा सही है, लेकिन जो राइट साइड पहला किचन आया ना वो थोड़ा सा एक तकरार ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो आज एक छोटा सा बाथरूम या तो वॉशरूम बना दीजिए, कुछ जगह शेडो रूम बना दीजिए वो भी सही रहेगा। तो इस तरह से आप लाभ पा सकते हैं साउथ के दरवाजे का। अगर आपका रो हाउस है तो सबसे पहले तो हमने जो अभी अभी बात बताई आपको कि राइट साइड लेफ्ट साइड में सामने दीवार आती है तो एक थोड़ा सा नेगेटिव उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप जैसे एंट्री करते हैं तो सामने हॉल थोड़ा सा लिविंग रूम होना चाहिए वो ज़रूरी है। अभी बोलते हैं चिड़ेगाँव में या तो रो हाउस के बारे में, तो सबसे पहले साउथ के दरवाजे में एक लिविंग रूम आया आपका, उसके बाद लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों बारे में बताता हूँ। लिविंग रूम आया उसके बाद सीधा आगे जाते हैं तो राइट साइड में पहले सबसे पहले किचन बनाइए और लेफ्ट साइड में डब्ल्यूसी वो सब होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़े तो स्टडी रूम बनाइए और लेफ्ट साइड में बेडरूम बनाइए, फिर आगे बढ़ते लेफ्ट साइड में बेडरूम बनाइए। ये रो हाउस की बात कर रहा हूँ, या तो गांव में जो मकान बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ तो बहुत ही शुभ रहेगा। देखिए और एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे आप साउथ में जाते हैं तो वरंडा ओपन जगह आया, ये बीच के दरवाजे की बात कर रहा हूँ साउथ में सेंट्रल में, उसके बाद राइट में सबसे पहले हॉल बनाइए लंबा सा और उसके बाद लिविंग रूम, उसके बाद राइट साइड में किचन आया सुबह, उसके बाद एक बच्चों का स्टडी रूम बनाइए, उसके बाद अगर रूम है तो पूजा घर बनाइए, और लेफ्ट साइड में
सुनिए आप क्या बता रहा हूँ, वो लेफ्ट साइड में जिससे आप साउथ की तरफ जाएंगे और वाउ से बताया आपको, पहले वरंडा आया, रेड साइड में किचन बनाओ, उसके बाद लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते हैं, बच्चे लोग का स्टडी रूम बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ते पूजा घर बनाइए। ये आपका रो हाउस की बात कर रहा हूँ, गाँव में मकान बना रहे तो। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखते हैं, साउथ में अंदर गए आप दरवाजे में, लेफ्ट साइड में सबसे पहले हॉल आया, लिविंग रूम, लिविंग के बाद एक बेडरूम बनाइए, बेडरूम के बाद डब्ल्यू सी बनाइए, डब्ल्यू सी के बाद फिर बेडरूम बनाइए। बहुत ही शुभ मित्रों, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, ये रो हाउस की बात कर रहा हूँ। गाँव में जब मकान बनाते हैं, और एक बार सुन लीजिएगा, अगर आपका साउथ फेसिंग का मकान है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आप इस तरह से मकान बनाते हैं। और साउथ फेसिंग में मकान में जो साउथ के सामने का नॉर्थ का द्वार है, साउथ फेसिंग का है, समझ के ना मैं क्या बोल रहा हूँ, साउथ फेसिंग का है तो नॉर्थ के दरवाजे में नॉर्थ का जो कंपाउंड रहेगा वहाँ को झाड़ पौधा और अवश्य लगाइए, यहाँ पानी पिलाते रहिए, और कंपाउंड के अंदर सामने दरवाजे के सामने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप मकान खेड़े गांव का मकान बना सकते हैं। साउथ का दरवाजा, साउथ का मुख्य द्वार बनाने के लिए वो एक बार अच्छा प्लान सुन लीजिएगा, सबसे पहले वरांडा आया, उसके बाद लिविंग रूम आया, वो बनाइए राइट साइड में, लिविंग रूम के बाद राइट साइड में किचन बनाइए, उसके बाद बच्चों का स्टडी रूम बनाइए, उसके बाद पूजा घर में बनाइए। रेड साइड की बात कर रहा हूँ, अभी आप साउथ के दरवाजा अंदर गए, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले एक हो सकता है तो बच्चे का स्टडी रूम भी चलेगा, या तो एक छोटा सा ये स्टोरेज जो है, या तो आपका ऑफिस जैसा काम करते हैं, ऑफिस ऑफ रहेगा। उसके बाद बेडरूम बनाइए, बेडरूम के बाद फिर डब्ल्यू सी आया, फिर एट डब्ल्यू सी आया, उसके बाद बेडरूम आया, ये भी बहुत ही शुभ है। यह आपको बताया मैंने, गांव में जब मकान बनाते हैं तो उस पर माता बहनों का नाम अवश्य रखिए, क्यों कि साउथ का दरवाजा है वो बहनों के लिए, माताओं के लिए शुभ है। तो अगर आपका साउथ का गांव में बना रहे हैं तो इस तरह से बनाइए, और श्री लक्ष्मीनारायण को पूछ लग करिए, आध्यात्मिक चैनल है, मित्रों को शेयर जरूर करें, और देखते रहिए लक्ष्मीनारायण कृपा, आपका हार्दिक स्वागत, पति शुभ मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।